क्लास 7 सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर 3 इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है आरंभ। रिप्रेजेंटेशन प्रदर्शन और डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का आरंभ का प्रदर्शन। ओपन पेज नंबर 167 पेज नंबर ओपन कीजिए। वी लर्न हमने पढ़ा है सीखा है डेट डिस्पाइट इक्वलिटी ऐसा होने पर भी इक्वलिटी समानता बीइंग द गोल ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक नेशन जो हमारा उद्देश्य होता है ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक नेशन जो प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए इन इक्वलिटी असमानता ऑल्सो एग्जिस्ट जो असमानता होती है वो भी एग्जिस्ट विद्यमान होती है इन सम फॉर्म इस रूप में और द अदर इन दी डेमोक्रेटिक नेशन प्रजातांत्रिक राष्ट्र में। इंडिया इज नो एक्सेप्शन जो हमारा भारत है वहां नो एक्सेप्शन छूट नहीं है टू इट इसके लिए इन दिस चैप्टर इस पार्ट में वी शैल एक्सप्लोर हम क्या करेंगे छानबीन करेंगे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा प्रदर्शन है थ्रू फीचर्स गुणों के द्वारा लाइक यूनिवर्सल अटल फ्रेंची यूनिवर्सल होता है हमारा ब्रह्मांड अडल्ट बयक फ्रेंचीज का मतलब मताधिकार इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है एंड कॉलिशन गवर्नमेंट जो हमारी संगठन वाली सरकार होती है। अब हेडिंग देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इसका मतलब होता है यूनिवर्सल विश्व संबंधी अटल वयस्क और फ्रेंचाइज मताधिकार मत देने का अधिकार वोट देने का अधिकार इसके बारे में देखो द राइट ऑफ पीपल लोगों का अधिकार है टू वोट वोट देना एंड इलेक्ट और चुनना देयर रिप्रेजेंटेटिव और अपने प्रतिनिधित्व को या लीडर को चुनना इज नॉन ए फ्रेंचाइज मताधिकार कहलाता है। When all citizen जब सारे नागरिक of a country देश के सारे नागरिक exercise this right इस अधिकार का पालन करते हैं irrespective बिना भेदभाव के of their caste चाहे वह भेदभाव जाति का हो चाहे धर्म का हो चाहे gender लिंग का हो economical status चाहे आर्थिक स्टेटस का हो इट इज रिफर्ड एट यूनिवर्सल अटल फ्रेंची यह हमारा विश्व संबंधी संगठन मताधिकार कहलाता है। हाउएवर फिर भी द राइट टू वोट वोट देने का अधिकार वॉज नॉट ऑलवेज ए यूनिवर्सल राइट वॉज नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं होता है विश्व संबंधी जो अधिकार होता हमेशा नहीं होता है इन द अर्ली डेमोक्रेसी हमारे प्रारंभिक डेमोक्रेसी में ओनली सम प्रिविलेज विशेष सुविधा दी गई है प्राप्त की गई है पीपल लोगों को वर अलाउड टू वोट वोट देने की सुविधा दी गई है फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए इन द यूनाइटेड किंगडम में ओनली मेल लैंड ओनर्स जो हमारे पुरुष भूस्वामी होते हैं हु वर प्रोटेस्टेंट उनको ये सुविधा दी गई है बाय फेथ चाहे वो हमारा विश्वास करता हो कुड वोट जो वोट दे सके इट वॉज थॉट ऐसा विचार किया जाता है डेट ओनली द लैंड ओनर जो हमारे भूस्वामी हैं वर रेस्पॉन्सिबल वो उत्तरदायित्व हैं इनफ टू बी इन्वॉल्व इन द रनिंग कंट्री देश को आगे बढ़ा सकते हैं टूडे आर ऑलमोस्ट लगभग ऑल द कंट्रीज हमारे सभी देश हैव रिमूव हटा दिए गए हैं सच डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव जो भेदभाव करते हैं क्वालिफिकेशन इन इंडिया भारत में ऑल सिटीजन सभी नागरिक हु अटेन द एज ऑफ 18 जो 18 वर्ष के हैं आर गिवन उनको दिया जाता है द राइट टू वोट वोट देने का अधिकार दिया जाता है ओनली क्रिमिनल्स जो हमारे क्रिमिनल्स होते हैं कैदी होते हैं हमारे पर्सन व्यक्ति ऑफ अनसाउंड माइंड और जो दोष युक्त व्यक्ति होते हैं एंड दोज हु डिक्लेयर्ड और जो
उन्हें घोषित किया जाता है बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित किया जाता है, आर नॉट अलाउड, उन्हें आज्ञा नहीं दी जाती है टू वोट, वोट नहीं दे सकते हैं। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18, ऐसे बच्चे जो 18 साल के नीचे हैं, आर और कोर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो भी भारत के नागरिक कहे जाते हैं, बट लेकिन दे कैन वोट ओनली, जब वो वोट दे सकते हैं केवल, दे आर 18 ईयर्स के, जब वे 18 साल के हो जाएं, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव इज मेड नहीं बनाता है बिटवीन मैन एंड वुमन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए पुरुष और स्त्री के बीच में, रिच एंड पुअर, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कम्युनिटी किसी समुदाय का हो, और प्लेस ऑफ बर्थ, या उस व्यक्ति का काम कहीं पर भी जन्म हुआ, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ऑफ अडल्ट, वयस्क लोगों का फ्रांचीज, जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है वयस्क मताधिकार का, इज द रूल ऑफ वन पर्सन वन वोट, एक सिद्धांत रखा है एक व्यक्ति एक वोट, एक ही व्यक्ति एक वोट दे सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल अटल फ्रांची, इम्पोर्टेंस महत्व और यूनिवर्सल विश्व संबंधी संगठन संगठन मताधिकार, इसका महत्व क्या है, पहला पॉइंट देखिए, द यूनिवर्सल सब यूनिवर्सल विश्व संबंधी सफी मतदान सोच पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता बताता है। सेकंड पॉइंट, इट इनकरेज, यह उत्साहित करता है यंग पीपल, युवा लोगों को, टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, कि इस आरंभ में वोट दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इनिशिएट, यह आरंभ करता है पीपल लोगों को इन द एक्ट ऑफ चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि वह अपने एक लीडर को चुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट ब्रिंग्स टू पावर ए गवर्नमेंट, यह देता है एक पावर शक्ति देता है गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार होती है, बेस्ड ऑन द कंसेंट, सहमति ऑफ द पीपल, जब लोगों की सहमति हो जाती है। ओपन पेज नंबर 168 पेज को ओपन कीजिए, इलेक्शन, अब हम आपको चुनाव के बारे में बताएंगे। इलेक्शन, इलेक्शन आर द प्रोसेस, चुनाव हमारी वह प्रक्रिया होती है बाई विच जिसके द्वारा द सिटीजन्स ऑफ ए डेमोक्रेसी, जो हमारे प्रजातंत्र के नागरिक हैं, सिलेक्ट चुनते हैं और चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने लीडर अपने नेता को चुन सकते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चुनाव हुआ हमारा प्रतिनिधित्व होता है, जो नेता होता है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, अलग अलग भागों से ऑफ द कंट्री, हमारे देश के अलग अलग भागों से होता है, मीट इन ए बॉडी, उसे मिलते हैं, वो हमारा कहलाता है असेंबली, असेंबली में होती है सभा या भवन, और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में संसद होता है, या वह चुन सकता है, सभा होती है उसको जो व्यक्ति होता है वो चुनता, असेंबली या पार्लियामेंट, ये सारी चीजें संसद में होती हैं। फॉर ए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए, टू बी सक्सेसफुल इलेक्शन, उसके लिए एक सफलता पूर्वक इलेक्शन कराया जाता है, हैव टू बी कंडक्टेड, वो इलेक्शन मार्गदर्शन कराता है इन ए लॉफुल एंड फेयर वे, एक कानून के अनुसार, कि ऐसा इलेक्शन जो मतलब साफ हो और शुद्ध होना चाहिए। इलेक्शन इन इंडिया, भारत में जो चुनाव आर एंटायरली कंडक्टेड, कानून के अनुसार ही होते हैं, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारी चुनाव आयोग, भारत की चुनाव आयोग संस्था वह कराती है, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, फेयर एंड इंडिपेंडेंट, जो बिल्कुल साफ है एंड इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, बॉडी फॉर द पर्पज, उस उद्देश्य का अंग कहा जाता है।